ऑन पैसिव फाउंडर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन का इंतजार कुछ फाउंडर्स कई वर्षों से कर रहे थे तो कुछ फाउंडर्स कई महीनों से कर रहे थे। ऑन पैसिव में आज बहुत कुछ बदलने जा रहा है जिसकी शुरुआत हो गई है। यदि आपने ofounder.net में अपना ओमेल अकाउंट बनाया है और उसमें कोई ज़रूरी दस्तावेज रखा है तो उसे तुरंत वहाँ से डाउनलोड कर लें, क्योंकि ऑन पैसिव का ओमेल अकाउंट अब यहाँ से डिलीट होने वाला है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि ofounder.net के पोर्टल में नोटिफिकेशन द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करके ofounder.net पोर्टल पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप आएगा। उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रिय ऑन पैसिव फाउंडर सचेत हो जाएं। हम अपने पहले स्मार्ट समाधानों से पर्दा उठाने वाले हैं। बीटा मोड अब बंद है, हम लाइव जा रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने सभी महत्वपूर्ण ईमेल और डेटा को अपने ofounder ओमेल खाते से हटा दें, क्योंकि हम पूर्ण ओमेल के साथ लाइव होने के लिए सभी ओमेल बीटा संस्करण को मिटा देंगे। आपको कल से शुरू होने वाले हमारे नए स्मार्ट ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर अपना लाइव ओमेल फिर से बनाना होगा। आपके पास 24 घंटे से कम का समय है। वाइप आउट प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले अपना डेटा स्टोर कर लीजिए। इस महत्वपूर्ण संदेश को साझा करें, यानी ओमेल अकाउंट अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जिसके कारण इसमें मौजूद सभी डेटा भी डिलीट हो जाएगा। यदि आपके ओमेल अकाउंट में कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया है या कोई ज़रूरी दस्तावेज है तो उसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें, क्योंकि यहां से ओमेल अकाउंट डिलीट होते ही आपका सभी दस्तावेज और मेल डिलीट हो जाएगा। यदि आपके ओमेल अकाउंट में कोई ज़रूरी मेल नहीं आया है या आपके ओमेल अकाउंट में कोई ज़रूरी दस्तावेज नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑन पैसिव की ओर से जब कल से नया इकोसिस्टम ओमेल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा तो आपको फिर से नया ओमेल आईडी बनाना होगा। आपको अपना ओमेल से डेटा स्टोर करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय है। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।